अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मज़ेदार सा टैंक बनाना सिखाऊंगी, जो इसका सही तरीका है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वैसे इसको पानी में मिक्स करके और टैंक बना लेते हैं, लेकिन इसका जो अलग टेस्ट होता है मज़ेदार सा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैंने तुख मलंगा लिया है और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने 1 लीटर इसमें लिया है पानी। ठीक है, एक जग में हमने पानी लेना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीनी इसमें ऐड करनी है। मैं चीनी आपने पीस के ऐड करनी है। अगर वैसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए अगर हम मैश करके इसको मतलब कि ग्राइंड करके अगर पानी में डालेंगे तो बहुत ही मतलब जल्दी से ये मिक्स हो जाएगी। ठीक है, इस दौरान जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चले जी, यहाँ पे मैं जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का इस तरीके से बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो चीनी है मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टैंग। ये जो एक साशे है वो 1 लीटर मतलब पानी के लिए होता है, तो हमने इसमें 1 लीटर ही पानी लिया है। ठीक है, बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और इसको आप बना कर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो जब दिल चाहे इसे पी सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है थोड़ा सा मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि बहुत ही ईजी है और आसानी से बन भी जाता है। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने सारा टैंग इसमें ऐड कर लिया और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने का एक और तरीका है, इस तरह इसके जो टैंग के बारीक ज़रात है वो रह जाते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ अगर वो तरीका आप यूज़ करेंगे तो टैंग जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमने एक बोल में टैंग जूस ऐड करना है और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। 3-4 बार हमने इसको ऐसे करना है, इससे जो हमारा टैंग है बहुत ही मज़े का बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर मैंने 3-4 बार इसको ऐसे ही मिक्स किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तो लगा हमने सारा नहीं ऐड करना, हमने जस्ट थोड़ा सा ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें आइस क्यूब ऐड कर देनी है। ठीक है, जितना कूल करना चाहे आप उतना इसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अब इसको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और पीने में भी और ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है तो लंगा। ठीक है, जिसको बसल सीड कहते हैं वो हमने इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, और अब हम मज़ेदार सा टैंक इसमें ऐड कर देंगे। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत रिफ्रेशिंग देता है। ठीक है, ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, गुड बाय।